बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, एक प्रिंटिंग एक्सपर्ट, और आज लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रिंटिंग बिजनेस आइडिया जिसको बड़ी आसानी से शुरू किया जा सकता है, जिसके बारे में बात बहुत कम हुई है, बड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज के ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कि वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग बिजनेस जो है इसको कैसे आप घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से शुरू किया जा सकता है। बड़ी लंबी को रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी करज चाहिए, आपका एम्बिशन चाहिए ताकि आप ये काम शुरू कर सकें। तो वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग जो है बड़ा इन बिजनेस है, हमेशा से इन है और हमेशा से इन रहेगा। शादियाँ होती रहेंगी और शादियाँ होने के साथ साथ शादी के इन्विटेशन की बात भी रहेगी। इसमें बड़ी बड़ी नई नई वैरायटी आती है, नई नई इनोवेशंस आती हैं, और इसमें मज़े की बात यह है कि जो जितनी इनोवेशंस हैं वो वेडिंग कार्ड बनाने वाली कंपनियां लेके आती हैं, आप जस्ट उनके रीसेलर बन जाए तो बड़ी आसानी से ये सर्विस दे सकते हैं। जी हाँ, आप अगर अच्छी नेटवर्किंग कर लें और अच्छी वेडिंग कार्ड सेल करने के लिए कंपनी को प्रूव कर दें कि आप अच्छी सेल कर सकते हैं, तो आप खातूने खाना है या कोई स्टूडेंट हैं या कोई प्रिंटिंग का बिजनेस करने वाले हैं, अपने ब्रांड से आपने कोई काम शुरू किया हुआ है, तो वो आपको अपनी एक कैटलॉग दे देते हैं, जिस तरह की ये कैटलॉग है। इस कैटलॉग में उस कंपनी के बहुत सारे कार्ड्स के सैंपल लगे हुए होंगे, वो कार्ड्स आप देखते रहेंगे, उन कार्ड्स के ऊपर एक नंबर है, स्पेसिफिक नंबर होता है, जिस नंबर के थ्रू उस कार्ड की आइडेंटिटी बनती है, उस नंबर के जरिए आप उस कार्ड को ऑर्डर से मंगवा लेंगे। उस ऑर्डर से मंगवाने के बाद आप उसको खुद से प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे। बड़ा छोटा सा अमल है, बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से शुरू किया जा सकता है। जितने भी लोग प्रिंट ऑन डिमांड का काम करना चाहते हैं वेडिंग कार्ड का, और इसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं या ऑफलाइन सेल करना चाहते हैं, बड़ी आसानी से इस काम को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें आपका नेटवर्किंग का ही है कि आपने ये देखना है कि कहाँ से मुझे वेडिंग कार्ड की कैटलॉग बुक मिल सकती है। बिलफर्ज आप स्टूडेंट हैं या खातून खाना है और आपको अभी इस बात का आइडिया नहीं है कि मुझे ये बुक से मिलेगी, तो इनिशियली आप क्या करें कि कोई भी आपके करीब में कोई ऐसा बंदा है जो कि वेडिंग कार्ड की सर्विस दे रहा है, उसके साथ दोस्ती बनाएं। उसके पास डेफिनेटली ये कैटलॉग मौजूद होगी, जब आपको ज़रूरत हो उस कैटलॉग को इस्तेमाल करें अपने कस्टमर को दिखाने के लिए। जैसे जैसे आपका थोड़ा सा बिजनेस ग्रो होगा, आप वेडिंग कार्ड जो है लोगों को उसके सेल करने शुरू कर देंगे, तो कंपनी आपको एक कैटलॉग फ्राहम कर देगी, जिस कैटलॉग से आप कस्टमर को दिखा के आसानी से इसको सेल कर सकते हैं। आपके पास जब कैटलॉग आ गई तो समझ लें आपका आधा मसला तो हल हो गया, आपके पास वो आप बेचने के लिए चीज़ मौजूद है, कस्टमर को फाइनल करवानी है, कंपनी से कार्ड मंगवाना है और उसके ऊपर उसकी कस्टमाइज प्रिंटिंग करके दे देनी है। ये जो दूसरा लफ्ज़ मैंने कस्टमाइज प्रिंटिंग वाला कहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आप किसी भी कैनवा में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसका डिज़ाइन बनाएंगे। कार्ड चूँकि जिस तरह से आप ये देखेंगे, ये कार्ड है, कार्ड के बाहर बड़ा कलरफुल सा पूरा डिज़ाइन इसका बना हुआ है, ये कार्ड का आउटर है, बॉक्स है, इसके बाद अंदर एक और कार्ड है जिसके ऊपर बड़ी अच्छी ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है। इसके अंदर एक लेयर ऐसी होती है जिसके ऊपर आपने प्रिंटिंग करनी होती है। ये अगर आप देखेंगे ये बेसिकली तीन लेयर्स ऐसी हैं जो आपको, जब आपको कार्ड मिलेगा तो ये प्लेन होगी, इसके ऊपर आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने उसका जो भी मैटर है उसको डिज़ाइन को लिखना है, डिज़ाइन कर लेना है। बड़ी आसानी से मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो आपको डिज़ाइन करके दे सकते हैं या आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के बाद इसको आपने स्क्रीन प्रिंटिंग के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं या खुद से, अगर आपके पास एप्सन का प्रिंटर है, घर बैठे इसको प्रिंट कर सकते हैं। बड़ा आसान प्रोसेस है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो पहला साइकिल क्या हुआ कि आपने वेडिंग कार्ड की जो कैटलॉग है उसको अरेंज करना है, जाके वो आपके पास मिल जाए। उसके बाद दूसरा ये है कि आपके पास डिज़ाइन करवाने की फैसिलिटी मौजूद हो, और तीसरा सेटअप ये है कि आपको इसको प्रिंट करने की फैसिलिटी मौजूद हो। तीनों काम बड़े आसान हैं, बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। जस्ट आप यकसू होकर इसको करना शुरू कर देंगे, प्रिंटिंग मार्केट को विज़िट करेंगे। अगर आप फ्रीक्वेंटली कार्ड प्रिंट करवाते रहते हैं तो आपका इसके बिज़नेस का आपको आइडिया होगा। आजकल डिजिटल वेडिंग कार्ड्स का भी बड़ा दौर दौरा है, लोग व्हाट्सएप पे वेडिंग कार्ड जो है उसको शेयर करते हैं, वो बड़ा आसान है। आप कैनवा पे कोई भी एक पैटर्न उठा के उसके ऊपर आप उनके एडिटिंग करके उनका नाम वगैरह चेंज करके दे सकते हैं, वो कस्टमर उसको डिजिटली भी शेयर कर देगा, और अगर किसी ने प्रिंट करवाना है तो किसी भी डिजिटल प्रिंटर के थ्रू उसको प्रिंट करके उसको आप प्रिंटिंग की सर्विस भी दे सकते हैं। तो ये एक पूरा मॉडल है जिसके थ्रू आप वेडिंग कार्ड जो है इसको प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन प्रिंटिंग चाहिए, डिजिटल प्रिंटिंग चाहिए, जिसके बारे में हम डिटेल से बता रखा है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि स्क्रीन प्रिंटिंग किस तरह काम करती है या डिजिटल प्रिंटर से आप किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को सीखते रहिए और प्रिंटिंग बिजनेस को सीख के अर्निंग करने के बारे में सोचें, क्योंकि अर्निंग होगी तो भी आप कामयाब होंगे, आप कामयाब होंगे तो सारी दुनिया आपसे खुश होगी, हम भी आपसे खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।